be on my way now. You just give me a... तो ऋषिकेश पहुंच गए और वाटरमेलन खा रहे हैं अभी यहाँ पे, पर ये लक्ष्मण झूला के पास आए थे, बट लक्ष्मण झूला तो अभी वहाँ से तो बाइक कितने 4 साल पहले ही बंद होगी जानी है ना, तो अब राम झूला चलते हैं और उधर से निकालते हैं बाइक को। तो जी यहाँ पे प्रोग्राम है बैठने का एक प्रोग्राम कैफ़े के अंदर, तो कैफ़े ढूँढते हैं। कुछ कैफ़े तो इधर मार्केट में भी हैं और कुछ है राम झूला पार करके, तो लेट्स सी कि इधर ज़्यादा बढ़िया है या फिर उधर ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई ऋषिकेश में आज इतनी भीड़ है क्योंकि आज ये संडे, और संडे की वजह से काफ़ी भीड़ है यहाँ पे,
और रिवर राफ्टिंग का तो इस वक्त सीज़न चल रहा है, तो रिवर राफ्टिंग की बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। किधर को जाना है इधर? चोटी वाला आ गया, तो रुद्राक्षमाला। अच्छा चोटी क्रॉस करके तो उधर वाला रास्ता नहीं है नीलकंठ महादेव? कैफे ये तो ये है ना, ये देखो लिखा बीटल कॉटेज मित्र निवास गेस्ट हाउस। तो जी लक्ष्मण झूला क्रॉस करके राम झूला क्रॉस करके हम आ चुके हैं नीलकंठ वाला रास्ते पे। तो नीलकंठ वाला रास्ता आपने देखा वो लेफ्ट को जा रहा था, अब हम इधर आए हैं इस तरफ में, देखते हैं कुछ कैफे कुफे है तो बैठ के थोड़ा आराम से आज एंजॉय करेंगे इधर बैठ के, और आपको थोड़े नए नए कैफे भी दिखाते हैं आज। बोले साले तू क्या, मैं हिमालय को लग रहा है, नहीं मैंने उसके आगे खड़ी कर दी हिमालयन, जब जब बुलेट चले दुनिया रास्ता दे। आगे घुमा लूँ आगे से और ये कैफे हैं सारे पीछे कैफे थे। जब पार कर दूँ डांटने के बाद इतना सब कुछ मिल गया, अभी तो फाइनली यहाँ कुछ मिला नहीं। अब सोच रहे हैं आगे चलते हैं यहाँ से और लक्ष्मण झूला पहुँचते हैं, वहाँ बैठेंगे आराम से। यहाँ तो कुछ खास कैफे थे नहीं, चोटी वाला रेस्टोरेंट और ये सब थे, तो तला भूला खाने का कुछ अभी प्लान नहीं है। तो जी फाइनली पहुँच गए लक्ष्मण झूला, और फिलहाल यहाँ तो भीड़ भाड़ थोड़ी कम है, पर अच्छा भीड़ लग रहा है यहाँ से। लक्ष्मण झूला से निकल के अब पहुँचे हैं आगे की तरफ, जा रहे हैं शिवपुरी। हालत इतनी ख़राब हो गई है, सोचा थोड़ा सा कुछ डिहाइड्रेट होगी बॉडी तो थोड़ा सा हाइड्रेट कर लेते हैं। इसको रखते हैं अंदर, पैकिंग के बाद में।
ले लूँ नीचे 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 भी उतरो 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 नीचे वो नहीं है क्या नीचे कोई रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पर आते हैं हाँ ऊपर ही बैठ जाओ नीचे बीच तो होगा चलो आप ढूंढो मैं आ रहा हूँ ओके फोटो खींचो तो गाइस ये है शिवपुरी और बेसिकली शिवपुरी जो है जाना जाता है कैंपिंग के लिए और राफ्टिंग यहाँ से कुछ अराउंड 20 किलोमीटर्स की राफ्टिंग होती है तो अगर कभी आपको राफ्टिंग के मज़े देखने हो तो यहाँ पे से आप देख सकते हो ये देखिए ये कैंपिंग है सारी यहाँ पे तो जी सारी लोकेशन है शिवपुरी की जहाँ पे आपको मिलेंगे कैंपिंग और अगर आप कैंप करना चाहते हो और अगर आप रिवर राफ्टिंग का मज़ा लेना चाहते हो तो शिवपुरी ज़रूर आएँ जब भी आप ऋषिकेश आएँ तो शिवपुरी आएँ और यहाँ पे आपको देखो कितना आनंद एकदम नेचर से नेचर के क्लोज बिल्कुल आप यहाँ पे अपने आप को फील करेंगे इतना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ पर ये देखिए गर्मी में ठंडक का एहसास तो ये पूरा बीच और इस वक्त हम आ चुके हैं बीच पे वो ऊपर पूरा शिवपुरी है और ये यहाँ पे पूरा नीचे बीच और सामने है माँ गंगा तो देखिए कुछ लोग आरती भी कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे जो मज़ा आ रहा है इस वक्त अगर यहाँ पे असली मज़ा लेना है तो मतलब यहाँ पे चेयर डालो आराम से बैठो और तब आप यहाँ पे एंजॉय करो मतलब स्मॉल बीच है स्मॉल नहीं एक बड़ा बीच है बस मगर पूरा मज़ा है तो मैं तो आया था नीचे थोड़ा सा व्यू देखने के लिए कि भाई क्या व्यू है कैसा है शिवपुरी एक दो बार मतलब यहाँ शिवपुरी में अलग अलग आपको हर जगह पे ऐसे बीचेस देखेंगे और अलग अलग पॉइंट से यहाँ पे राफ्टिंग होती है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं दिस इज़ अप टू यू और भाई इतना बढ़िया व्यू इतना नज़ारे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे तो कुकिंग बनता है कि मज़े से मतलब ओहो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं नहा लूँ मेरा मन तो कर रहा है कि मैं नहा लूँ मगर फिलहाल ना कपड़े हैं ना कुछ है तो चलते हैं भाई साहब तो ऊपर ही हैं तो अब ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या प्लान है और ये देखिए यहाँ गंदगी हमेशा लोग नहीं सुधरेंगे ये देखिए पता नहीं यार मतलब अगर लेकर के आ रहे हो तो साथ में एक गार्बेज बैग कैरी करने में कौन सी दिक्कत है और ये तो मतलब पूरा एकदम डीप देख रहे हो कितना गहरा पानी है ये सारे कैंप हैं फिलहाल नीचे का व्यू तो बहुत बढ़िया था अब चलते हैं ऊपर की तरफ
मैं एक रात की वीडियो बना के डालूं। बुरे नहीं, ये पता नहीं कहां कहां घूम। The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. तो गाइज इस वक्त ये सामने है आपके राम झूला जो बिल्कुल जगमगाता हुआ एकदम लाइटिंग के साथ मज़ेदार। तो इस वक्त अगर इसके ऊपर होते तो मज़ा ही अलग होता। बाकी पूरा नीचे है माँ गंगा, बिल्कुल इस वक्त शांत बह रही है। और ये आमने सामने इतने सारे आपको रिजॉर्ट दिख जाएंगे यहाँ पे। तो हमने ऑर्डर किया था थाली और मात्र 100 रुपीज़ की थाली, और इस वक्त हम बैठे हैं मॉम मील में। तो अभी हमने डिनर कर लिया और अभी हम हैं मॉम्स मील कैफ़े में, और काफ़ी अच्छी एक प्रॉपर्टी है और 100 रुपीज़ में हमने थाली खाई है और बहुत ही मतलब एकदम घर जैसा स्वाद था जो आपको रेयरली मिलेगा। और जब भी आप बाहर जाओगे तो मतलब आप कितना टाइम खा लोगे यार होटल का खाना एक दो बार, तो यू ऑलवेज भी प्रेफर लाइक कि भाई घर का खाना मिल जाए। और यहाँ से नज़ारा और इतना अच्छा हवा चल रही थी, और ये देखिए बाहर सेटिंग पूरी। और बाकी इनसे पूछते हैं कि कैसा लगा खाना वाना। रियली थैंक यू, एंड सबसे बड़ी बात है कि ये घर जैसे खाना है और सिंपल सोबर जो हेल्थ को मेंटेन करते हैं उन लोगों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। तपोवन अपर वाला, आई थिंक अपर तपोवन जगह पे। और सीरियसली सबसे पहले एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा, और उसके बाद फिर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इवन जो रेस्टोरेंट के ऑनर्स हैं उनका भी नेचर काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप आए तो एक बार ना इस जगह पे जरूर आइएगा, तो आने के बाद आपको पता लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होता है इससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा। इस रोड पे सारे कैफेज हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ यहाँ से आप देखिए, ये है मॉम्स मील कैफ़े, और बाकी ये देखिए सामने पूरा यहाँ पे ये जोन पूरा कैफेज है। तो अब चलिए चलते हैं फटाफट नीचे, और अभी कुछ और है क्या एक्सप्लोर करना है। मैंने इसी जगह से ना ये लिया अपने योगा मैट्स। हाँ ये तो बताया था आपने मुझे। नहीं मैं अच्छा दोस्त आपको बता रहे हैं। तो अब ये इसी योगा मैट पे योगा करेंगे। रिसेप्शन कैफे, तो गाइस इस वक्त हम खड़े हैं राम झूला पे, और रात का नज़ारा इतना सुंदर है, पूरी लाइटिंग से जगमगाया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो कुछ ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। वाओ ब्यूटीफुल, अमेजिंग, देखिए क्या जबरदस्त व्यू है, जबरदस्त नज़ारा है यहाँ से। बच्चे का नज़ारा कुछ इस तरह से।
11:15 करीब हम यहाँ पहुँच गए हैं घर पे, और ये घड़ी थोड़ी आगे है, तो बाकी अपना बाइक वाइक सब अंदर लगा दिए हैं और उसके बाद आराम से बैठे हैं फ्रेश होकर के, हाथ मुँह धोना है बस फटाफट और चेंज करना है और देन उसके बाद सो जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है शेयर करना है वीडियो को, लाइक करना है, और जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर एक दूसरे ऑप्शन के साथ। अब देखते हैं कि और क्या वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तब तक लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वस्थ।